अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं मुगलई चिकन। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए इसको हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। ये 25 ग्राम के करीब दही है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये आधा चम्मच सफेद गोल मिर्च का पाउडर है, जिसको दखनी मिर्च भी बोलते हैं, उसको भी इसमें ऐड कर देना है हमें। 1 चम्मच के करीब हमें नमक ऐड कर देना है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा आप लोग। 2 चम्मच हमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये आधा नींबू, इसको हमें इसमें निचोड़ लेना है। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी में। देखिए फ्रेंड, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देना है। आप चाहे तो फौरन ही बना लीजिए, वरना आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद ही इसको बनाइएगा। चलिए हम इसको साइड में कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमें कुछ मसाले हमें ग्राइंड कर लेने हैं। तो हमने ये 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, और ये 2 चम्मच नारियल का बुरादा है, 10 से 12 काजू है, 6 से 7 हरी मिर्च है। तो इन सभी को हमें मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है, फाइन पेस्ट हमें इसका बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जार ले लिया है। अब इसमें हमें ये प्याज ऐड कर देना है, इसके साथ हमें ये काजू भी ऐड कर देना है, नारियल का बुरादा, ये हरी मिर्च भी हमें इसी में ऐड कर देना है। अब इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, हमें दूध, थोड़ा सा दूध शामिल करना है। थोड़ा सा दूध डाल के हमें इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। फ्रेंड्स, हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है, तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस पे भगोना रख दिया है, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। चलिए इसमें हमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। 1 चम्मच जीरा है, 4 लौंग है, 2 छोटी इलायची है, 1 स्टार का फूल है, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है। इन सभी को हमें इसमें रोस्ट कर लेना है पहले अच्छे से। देखिए फ्रेंड, मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हमें ये तेल ऐड करना है, ये रिफाइंड ऑयल है, 50 ग्राम के करीब हमें इसमें तेल ऐड कर लेना है। तो तेल हमने इसलिए बाद में ऐड किया है क्योंकि मसाले हमें तेल में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी उसकी खुशबू, इसलिए हमने बाद में इसको ऐड किया है। और हमें इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। देखिए फ्रेंड, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। जो ये चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था, इसको हमें इसमें डाल देना है। और इसे हमें अच्छे से भून लेना है उसी तेल में। देखिए फ्रेंड, 4 से 5 मिनट लगेगा इसे भूनने में। हमें इसका सारा मसाला जो हमने इसमें ऐड किया, 1 घंटे मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, अब हमें अच्छे से भून लेना है। इसमें धनिया वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसकी कच्ची स्मेल खत्म हो जाए, हमें इतना इसको भून लेना है। 2 से 4 मिनट लगेगा इसे भूनने में। कितना पानी इसमें से रिलीज हो रहा है, जो हमने दही डाला उसका पानी रिलीज होना शुरू हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा पानी छोड़ दिया है। इस तरह से आप मुगलई चिकन बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये चिकन, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बनाना बता रहे हैं। तो मेरे मेथड से जरूर आप ट्राई करिएगा एक बार। देखिए तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, और तेल भी सेपरेट होने लगा है। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को इसमें भूनते हुए। देखिए फिर मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है, तेल भी। इसलिए अब इसमें हमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देना है, जो हमने ग्राइंड किया था। चलिए इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे मुगलई चिकन में। इन सभी मसालों को हमने मिक्स कर लिया है, अब हमें इसमें ढक्कन लगा देना है।
और 7 से 8 मिनट तक के हमें इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि चिकन अभी हमारा टेंडर हो जाए इसी मसाले में। बीच बीच में देखिए फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट हो चुका है हमारे चिकन को पकते हुए। चलिए चेक कर लेते हैं, सेपरेट हो चुका है इसमें से। देख लेते हैं चिकन हमारा गला है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड, चिकन हमारा एकदम टेंडर हो चुका है, ये देखिए। चलिए इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। हमें हाई पे कर देना है, हाई फ्लेम पे हमें इसे भून लेना है। इस पॉइंट पे हमें ये 2 से 3 मिर्ची हमने इसको 20 से कट कर लिए, इसे डाल देना है। साथ ही इसके में ये कसूरी मेथी ऐड कर देना है और हमने अच्छे से इसी में मिक्स कर लेना है। देखिए फिर मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमें ये चिकन मसाला ऐड कर देना है 1 चम्मच और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी में। फ्रेंड्स, हमारा मुंगेर चिकन का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसी में हमें ये कटोरी पानी ऐड कर देना है, जितनी आपको ग्रेवी रखना है आप उतना पानी ऐड करिए। हमें ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखना है, थोड़ी थिक ही रखना है, तो हम उस हिसाब से पानी डालेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह की ग्रेवी चाहिए। चलिए हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं और 2 से 3 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए, तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। चलिए इसे हमें डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चिकन मुगलाई बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताया है ये चिकन बनाना, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि एक चिकन कैसे बना है। ये चिकन बनाएंगे तो आप और चिकन खाना भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े का ये चिकन बनता है। फ्रेंड्स, हमारा मुगलाई चिकन बनकर रेडी हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। Thank you for watching my video. Allah Hafiz.